एक 13 साल की नाबालिग लड़की ने 80 लोगों के साथ बनाए संबंध और फिर उसके बाद घटी यह घटना, आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है आंध्र प्रदेश के गुंटूर की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में के थाने में सुबह सुबह एक शख्स थाने में भाग कर आता है और आकर कहता है पुलिस वालों से कि साहब, मेरी बेटी 2 महीने से लापता है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं और मेरी मुलाकात उससे नहीं हो रही है, प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, पुलिस उसको बिठाती है, उससे पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, वह शख्स सारी कहानी बताता है। वह कहता है कि मैं अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी कीर्ति के साथ रहा करता था। कीर्ति की उम्र 13 साल है और जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में मेरी पत्नी को कोरोना हो गया था और फिर कोरोना के चलते वह हॉस्पिटल में भर्ती थी और वहाँ पर वह अंतिम सांसें ले रही थी। हम और मेरी बेटी, हम दोनों घर पर थे। दोस्तों, उसके बाद वह बताता है कि मेरी पत्नी ने मरने से पहले उसको लगने लगा था कि वह जिंदा नहीं रहेगी। वह अपनी सहेली को बुलाती है जो उसकी बचपन की सहेली है, जिसका नाम उषा है, और उस सहेली से कहती है कि मेरी बेटी कीर्ति अकेली रह जाएगी। हालांकि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है लेकिन उसको माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा और मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी बेटी को मेरे मरने के बाद तुम अपने घर ले जाना और इसकी अच्छी से परवरिश करना और इसके लिए खर्चा पानी इसका पिता तुम्हें दे दिया करेगा, क्योंकि पिता के पास माँ का प्यार नहीं मिलता है। यह समझकर उसने अपनी सहेली उषा से कहा था कि मेरी बेटी को मेरे मरने के बाद अपने पास ले जाना। दोस्तों, उसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और फिर वह भी इस बात में राजी था कि उसकी पत्नी ने कहा है अपनी सहेली के घर बच्ची को छोड़ने के लिए, तो वह राजी हो जाता है और फिर उषा अपने साथ उस लड़की को ले जाती है जिसका नाम कीर्ति होता है, जिसकी उम्र 13 साल होती है। और दोस्तों, वहाँ पर कीर्ति का पिता उसको 10 दिन में देखने के लिए भी चला जाया करता है, उसके खर्चे पानी का इंतजाम किया करता है। लेकिन दोस्तों, 1-2 महीने गुजरने के बाद जो वह पिता होता है कीर्ति से मिलने के लिए अपनी पत्नी की सहेली उषा के पास जाता है और वहाँ उषा ये कह देती है कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी अभी नहीं है, स्कूल गई है, इस तरह का बहाना लगा देती है। फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर से जाता है मिलने के लिए अपनी बेटी से, फिर भी उससे बहाना लगा दिया जाता है। इसी तरह से कई बार वह मिलने के लिए जाता है तो अंत में वह उनसे जिद पड़ जाता है कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ, जो मुझसे तुम उसे मिलाते नहीं हो। तो दोस्तों, उसके बाद उषा ये कहती है कि हमने तुम्हारी बेटी को, हमारे पास तुम्हारी बेटी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वह परेशान हो जाता है और पुलिस थाने में जाता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उषा को उठा लेती है। उषा को जब उठाया जाता है, सख्ती से पूछा जाता है, तो उषा बताती है कि मैंने इनकी बेटी को एक दलाल के हाथों बेच दिया, अच्छे दामों में बेच दिया। दोस्तों, पुलिस पूछती है कि कहाँ पर बेचा है, तो उस लड़की का पता लगाया जाता है। वह लड़की एक कोठे से दूसरे कोठे पर, दूसरे कोठे से तीसरे कोठे पर लोग उसके साथ दरिंदगी करते रहे और वह बिकती रही, हर एक कोठे पर उसकी नीलामी होती रही। पुलिस उस लड़की को ढूंढ निकालती है कोठे पर से और बहुत सारे ऐसे दलालों को ढूंढ निकालती है जो बच्चियों को खरीदते हैं, और उषा रानी को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर पुलिस के द्वारा उस कीर्ति से भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो कीर्ति बताती है कि मुझे मेरी मौसी ने बेच दिया था एक दलाल के हाथों और मेरे साथ इतनी दरिंदगी हुई है, न जाने कितने लोगों ने मेरे साथ संबंध बनाए हैं और मुझे मसला गया है। दोस्तों, पिता यह बात सुन करके जोर जोर से रोने लगता है, अपनी बेटी को कलेजे से लगा लेता है। उसके बाद पुलिस उस उषा को और उन बहुत सारे दलालों को अरेस्ट करके उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो? वो कहा जाता है विश्वास का कत्ल यहीं पर हुआ। जो कीर्ति की माँ थी, उसकी सहेली उषा थी, उसने अपनी सहेली पर विश्वास किया और अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रही थी मरते मरते, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी सहेली उसकी बेटी को इस तरह से ट्रीट करेगी कि उसकी बेटी कहीं की नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो? ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं और विश्वास का खून हो जाता है कई बार। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएँ होती हैं समाज के अंदर, और यह एक सीख देती हैं कि हमें जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा जाँच परख लेना चाहिए आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।